नमस्कार साथियों, दोस्तों राजस्थान पीटीडी परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार अब समाप्त हो चुका है। राजस्थान पीटीडी परीक्षा के लिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए एडमिट कार्ड के जारी करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथियों, आप अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहां बताएंगे। साथियों, आपको पीटीडी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है। साथियों, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या आप अपने रोल नंबर या आप अपने नाम से भी अपना पीटीडी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑफिशियली पेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको केवल यही पेज दिखाई देगा और आपको किस प्रकार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो साथियों, आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस बार पीटीडी परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा करवाया जाएगा, जिसके ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज ओपन होगा। आपको यहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको फॉर्म नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रोल नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और बाय जनरल डिटेल यानी आप अपने नाम और अन्य तरीके से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहां अपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो आपको वहां पर लिखे हुए हैं वहां आपको उस पर पाई फॉर्म नंबर पर क्लिक करना होगा जो यहां पर आपको दिख रहा है। इसके बाद में आपको यहां फॉर्म नंबर डालकर प्रोसेस के बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस के बटन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। और जिन साथियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सभी की जानकारी के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है। वहाँ से सभी साथी जुड़ सकते हैं और पीटीटी परीक्षा और अन्य सभी भर्तियों की जानकारी निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।